अरे एक्साइटमेंट इतने बाल काट दिए मेरे। इतने तो नहीं काटे अभी, थोड़ा थोड़ा काटे, काफी ज्यादा बाल कट चुके हैं। एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही। अब मैं तो डांस कर मेरी तारीफ हो रही है, हम इसको जरूर रिकॉर्ड करेंगे और एडिट में कुछ काटा नहीं जाएगा। मेरे ब्लॉग में आके ना लोग बोलने लग जाते प्यारी समझ गई। कितने अच्छे है मेरे सब्सक्राइब। आपको पता है कि मुझे लंबे बाल मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है उनको काटने की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद अनदर हेयर का व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो फिर से हेयर कट का व्लॉग होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शेयर करने के लिए वो वाला व्लॉग आपके साथ। तो जल्दी से आपको गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। आज है हमारे साथ सवर्णा। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक। ओ, ये इंट्रोवर्ट है लेकिन फिर भी बोल रही है। मेरे ब्लॉग में आके ना लोग बोलने लग जाते प्यारी समझ गई। चाहे वो वैसे थोड़े कम बोलती हो, है ना सवर्णा? तो सवर्णा ओ ये मेरी तारीफ हो रही है, हम इसको जरूर रिकॉर्ड करेंगे और एडिट में कुछ काटा नहीं जाएगा। चलो अब शुरू हो जाओ। दादा जी एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत बहुत अच्छी। मैं तो आज कटिंग कराने आई हूँ बहुत शौक से, मैं बहुत ऐसे आना चाह रही थी तो आज फाइनली मैं यहाँ पे आ गई। तो समरना के बाल बहुत लंबे हैं और आपको पता है कि मुझे लंबे बाल मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है उनको काटने की। अभी तो हेयरफॉल से जरा कम हो गया, लाइट हो गया। मैं आपको इसके बाल दिखाती हूँ, लंबे हैं और नीचे से थोड़े ब्राउन ब्राउन भी हैं। लगता है इसने घर में ना कोई पेंटरी लगाने की कोशिश की है ना? कुछ किया ना? क्या किया है? थोड़ा सा डाई बच गया था मतलब। शाबाश बेटा, पुप्पो का डाई। ये अपने पुप्पो की बची हुई चीजें जो है ना अपने बालों पे यूज करती रहती है और उनको नीचे से इसने रफ कर लिया है, तो मैं उनको काट के नीट करूंगी। ठीक है, पुप्पो की चीजें कम यूज किया करो, ये उनका श्राप लगे आपको। नहीं वैसे अगर ना लगता फिर मेरे पास कटिंग कराने कैसे आती है? तो अब हम एक नया रूप देखेंगे समरना का। ठीक है, तो स्टार्ट करें, रील्स भी बना लेते हैं। ठीक है, तो आज भी हम करने वाले हैं, आज हम ड्राई हेयर कट नहीं करने वाले, आज हम वेट हेयर कट करने वाले हैं क्योंकि आज हमने ब्लो ड्राई से सेट करना है और एक नई समरना हमने बना दी है। समरना के घर वाले कहेंगे कि ये गई तो कोई और थी, ये नई कहाँ पे आ गई। ठीक है सर, जाके जैसे एक्शन लगाने वो भी मुझे बता दो, यूं यूं करके बालों का ऐसे। ठीक है समरिया, पूरी नहीं है, सोई होगी, पता नहीं जब से इस्लामाबाद से आई है वो थोड़ी पागल हो चुकी है और उससे सुबह जल्दी उठा भी नहीं जाता, तो इसलिए आज मुझे अचानक से ये भी मैंने, मेरी इतनी अर्जेंट व्लॉग्स आती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। एमरजेंसी वाले व्लॉग तो समरना बस आज बहुत दिल कर रहा था मेरा आपसे मिलने का। ओ कितने अच्छे हैं मेरे सब्सक्राइबर, मुझे बताए बगैर ही आ जाते हैं। बटरफ्लाई लड़की बटरफ्लाई हेयर कट करवाने के लिए बटरफ्लाई वाला कैचर लगा के आई है। बारिश होने जितना बारिश कर रही बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मूथ चल चुकी है। इसमें बारिश करने का प्लान तो था, तो आप मेरी एक्साइटमेंट का अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि बाल बहुत लंबे हैं और मेरे से काटने के लिए चीजें मिल रही हैं। अभी फ्रंट वाली आप मुझे लेयर बता दो आपने कितनी रखनी है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम स्टेप्स देंगे और प्यारी प्यारी सी लेयर्स देंगे जो कि मुझे बहुत शौक है। तो आप एक्साइटेड हो अपनी फाइनल लुक देखने के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही। अब मैं डांस कर नहीं डांस नहीं बहुत ज़्यादा मुझे तो कोई दो तीन साल ये खुद वो भी है की
वैसे ही तो नहीं कटवाते थे घर वाले लोग, शादी तक कर देंगे बॉइलिंग करेंगे ना ज्यादा तेल के कुएं से खत्म कर दिया कोई लगाते हो ये नाई के साथ साथ वो भी है क्या तेल बनाने वाले को क्या कहते हैं होम रेमेडीज हाँ होम रेमेडीज करती है ये स्पेशलिस्ट भी ऑयल की अगर आपने बनवाना है तो इससे बिल्कुल बिल्कुल मम्मा बनाती है नहीं मैं मम्मा भी कभी बना लेती हैं हम सुवर्णा के टैलेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल ताकि अगर हमें कभी जरूरत पड़े हम यूटिलाइज करें ऑयल मैन्युफैक्चरर कहना चाहिए था ऑयल प्रोड्यूसर कुछ भी कहते हैं ठीक है समरिया तो मेरे एक्साइटमेंट का तो कोई इंतहा ही नहीं है अरे 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 एक्साइटमेंट इतने बार काट दिए मेरे कितने तो नहीं काटे अभी लेकिन अब उनको कोई ट्रिम करके कोई शेप भी तो देनी है आपने मुझे खुद अलाउ किया मेरे प्यारे बालो बाय बाय अच्छा लग रहा है वैसे क्लाइंट्स को पहले बाल कट रहे होते हैं थोड़ा दुख भी होता है लेकिन बाद में उन्हें खुशी भी होती है नहीं मुझे तो अभी से खुशी हो रही है अभी कुछ हो रहा है अभी कुछ हो रहा है बस अभी हम समरना से पूछेंगे कि उसने फ्रंट से जो प्लिक्स हैं वो दोनों साइड पे रखते हो बैंग्स या एक साइड पे दोनों पे अभी हम उसको थोड़ा सा मैच करते हैं ब्लेंड करते हैं आप मुझे बिल्कुल ना मेरी एक फ्रेंड आती होती है वो अगर मुझे देखती होती है तो फिर उसे पता हाँ आपकी हम शक्ल समरना हाँ उसका नाम महक है तो मैं जब भी समरना को देखती हूँ तो मुझे लगता है महक ही है उसकी हाइट भी आपकी होती है और फेस कट भी ऐसा है बाल भी लंबे हैं ऐसे ही तो मुझे महक याद आ रही थी हाँ ठीक है मैं इसको बिल्लिया करूँगी A few moments later. तो अभी हमने ड्राई नहीं किया और इतनी प्यारी सी लेयर्स नजर आना शुरू हो गई हैं yeah. अब मैं जल्दी से ड्राई करती हूँ ताकि एक नई समरना आप लोगों को नजर आए न्यू लुक ये देखो पीछे से भी बड़ा प्यारा वॉल्यूम है और अभी सरप्राइज के लिए आपको वेट करना होगा ठीक है कई और न्यू हेयर स्टाइल हमने बना दी अब सबसे ज़्यादा एक अच्छा वाला काम अभी होगा ब्लर है जिससे सारी लुक चेंज होती है तो मैं फर्स्ट वाला स्टॉल लगा हुआ है अभी मैंने इनको वेट कर लिया और अब मैं इसे ब्लो ड्राई करूँगी और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है वो मैं आपको दिखाऊँगी नहीं कान फटेंगे इनके तो अब जल्दी से हम लोग ब्लो ड्राई करके फिर मैं आपको मिलती हूँ ओके आप दिस इज द फाइनल लुक और इतनी प्यारी लग रही है यार इससे और बालों में इतना ज़्यादा वॉल्यूम भी आ गया समझने का हमने न्यू बाल लगा दिए काटे भी है उसकी जोली भी पड़े हुए हैं इतने ज़्यादा बाल कटते हैं लेकिन उसके बाल नीचे से लाइट थे अब वो हैवी लग रहे हैं और मैं आपको बैक से भी दिखाती हूँ और फिर हम समरना से पूछेंगे कि उसको ये कटिंग कैसी लगी ठीक है अभी से कह रही हूँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी और पीछे से ये कुछ ऐसी लुक लग रही है और ये इतनी प्यारी लग रही है यार लेयर्स इतनी प्यारी लग रही है ऐसा वॉल्यूम मैं अपने बालों में चाहती हूँ लेकिन आता ही नहीं लेंथ भी ज़्यादा छोटी नहीं हुई आहिस्ता आहिस्ता कटती हुई थोड़ा थोड़ा कटके काफ़ी ज़्यादा बाल कट चुके हैं पर वो सेटिस्फाई है तो मैं भी सेटिस्फाई हूँ समरना से पूछते हैं कि उसको ये हेयर कट कैसा लगा बहुत 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 अच्छा बहुत मजे का लग रहा मैं तो फर्स्ट टाइम करवाई है ना पहचान नहीं गई अपने आप को पहचान मैं भी नहीं आपको पहचान पा रही आप 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के घर वाले आपको पहचान लेंगे मुश्किल है थोड़ा नहीं ये हेयर कट इस पे वाकई बहुत सूट कर रहा है और बालों में वॉल्यूम इतना ज्यादा इसीलिए है ना क्योंकि बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे तो मैं ये घर पे ट्रिम कर लेती थी लेकिन अब आपको ये करवा के कैसा लगा बहुत सुकून मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सेटिस्फाइड ओह थैंक यू सो मच अब फिर नेक्स्ट टाइम आओगे आप अपने दोस्तों को ये लिंक भेजना ना भूल
अब मेरे सलून के भी ऐड दे दो. आपने जिस जिसने भी हेयर कट करवाना है तो वो फिर जरूर आएगा सलून पे. ओके ये था हमारा आज का व्लॉग. आप बताइएगा आपको कैसा लगा, लाइक कर दे, शेयर कर दे. और वो मेरे जो इस दफा वाला क्लाइंट है ना, वो मुझे ऐसे ऐसे होने पड़ रहे हैं, मैं ऊपर चढ़ सकती तो भी मैं बैलेंस नहीं कर पाई. हाँ तो आप बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा, लाइक कर दे, शेयर कर दे और वीडियो को एग्जैक्टली. सबसे पहले तो समरना जाके कॉमेंट करेंगे. प्यारी समझ गई. तो अब हम आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय.